प्रदीप सर, TTML क्या राय बनती है? इस काउंटर भी बहुत इंक्रीज हुआ था एक टाइम में, अभी नीचे ही आ रहा है। मुझे लगता है इस काउंटर भी पेनी स्टॉक के जैसा ही है, बिकॉज एक टाइम में ऐसा था कि मैम आज से ऑलमोस्ट एक 1.5 साल पहले ही 16-17 रुपए के आसपास ट्रेडिंग होता था। तो उसके बाद हमने देखा जो एक मोमेंटम आया, बहुत बढ़िया मोमेंटम आया, स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट 265 के आसपास, एंड वहां से फिर से इतना एक ब्रेक डाउन आ रहा है। तो आई थिंक जिन्होंने भी ये क्वेश्चन किया वो फंसे हुए हैं। तो मैं उनको यही बताना चाहूंगा, आप ना एक बार 89 स्टॉप लॉस फाइनल आप वेट कीजिए। अगर 89 स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है एंड ऊपर में होता है, मान लीजिए 120 130, तो फिर आप होल्ड कीजिए। कभी भी अगर 95 90 89 कभी भी होता है ना, तो 89 पे क्विकली बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो मेरे को लगता है अगर 89 ब्रेक करेगा ना, सो इसमें अब नेक्स्ट येस बैंक भी हो सकता है, बिकॉज येस बैंक के टाइम, पीसी ज्वेलर के टाइम, पंजाब नेशनल के टाइम, भकरन जी के टाइम, JTRS के टाइम, सबने यही सोचा था कि नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा नहीं गिरेगा, और हर प्राइस में एवरेज करते गए लोग, आज बर्बाद हो चुका है मार्केट से। तो मैं भी यही कहूंगा मैम, एक बार आप फाइनल 89 के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर को होल्ड कीजिए। अगर कभी भी 89 ब्रेक होता है तो आप एक बार निकल जाइए, आपको थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा लॉसेस होगा, लेकिन निकलने में ही आपका भला ही होगा। सर, कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वेट करना चाहिए, बट अगर वक्त रहते ही निकल लिया जाए या उस टाइम पे एग्जिट पोजीशन अपनी बना ली जाए तो आपके लिए ही सेफ है और आपके लिए ही वही मुनाफेदायक है। शायद से उस टाइम पे आपको 50 रुपए का या 20 रुपए का लॉस होगा, बट वो लॉस बढ़िया है कि पूरा पैसा ही डूब जाए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली क्या है ना, इन्वेस्टर के जो रिटेलर इन्वेस्टर होते हैं उनके पास एक साइकोलॉजी होता है। मैं पर्टिकुलर एक कोई भी कंपनी जब भी बाई करता है ना, बाई करने के बाद अगर कंपनी ऊपर आता है तो उनको लगता है कि मैं बहुत सही हूँ, अगर नीचे आता है तो उनको लगता है मैं बहुत गलत हूँ। लेकिन बात वो नहीं है, आप सही हो आप गलत हो ऐसा कुछ भी मार्केट है आपको पता नहीं चलेगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर करना होगा, आपको फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर करना होगा, बाकी तो लॉ ऑफ यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ना होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। लेकिन आपको बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पास एक, आपके मन में नहीं, आपके दिमाग में नहीं, आपका सिस्टम में एक टारगेट भी होना चाहिए एंड आपके सिस्टम में एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। जैसे ही हम कोई भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं ना, स्टॉक के साथ लाइक हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो वो जो इमोशनल अटैचमेंट है बहुत ही अपने आप में बुरा चीज़ है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर कोई भी इन्वेस्टर के साथ ऐसा हो रहा है तो उनको बिल्कुल भी ऐसा इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, तो डेफिनेटली निकलना चाहिए।